नवी मुंबई पुलिस ने आज अपना वार्षिक कार्य रिपोर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 के दौरान अपराधियों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना लॉकडाउन से लेकर आज तक पुलिस कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रही है। हालांकि आर्थिक वारदातों से जुड़े मामले को नवी मुंबई पुलिस 5% साबित हुई है। देखे रिपोर्ट। नवी मुंबई पुलिस ने अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दिया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने आज मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2021-22 की क्राइम रिपोर्ट साझा की। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त क्राइम शशिकांत घुरे और DCP क्राइम सुरेश मेघणे भी मौजूद थे। इस एनुअल रिपोर्ट में संगठित अपराधों, वाहन चोरी और लूट की बड़ी वारदातों को नियंत्रित करने का दावा किया गया है। वहीं हत्या, अपहरण और रेप के मामलों में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और कार्रवाई पर पुलिस ने पीठ थपथपाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने देखा अभी क्राइम बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन हमारा 21 में भी करीब से IPC क्राइम का जो डिटेक्शन है वो 72% रहा है। 2020 का जो डिटेक्शन है वो 75% रहा है, और 19 के पीछे जाएंगे तो वो भी 72-73 के सी पास में आपको मिलेगा। अगर हम देखें तो बाकी जो ऑफेंसेज हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, उसमें रॉबरी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, चेन स्नैचिंग का, वो भी डिटेक्शन 40% के ऊपर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डकैती में कोई इशू नहीं है, सारे डिटेक्टेड हैं। और बाकी जो बॉडी ऑफेंसेज हैं उसमें भी नंबर बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन अच्छा है, परसेंटेज हमारा अच्छा है, प्रिवेंटिव एक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। और जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या जो बाकी जो गुनाह हैं, छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको भगा के ले जाने का, या 363 जिसको किडनैपिंग का केस है, उसमें भी डिटेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। हमने काफ़ी लोगों को ट्रेस किया है। नई मुंबई तो स्वच्छ शहर है, मतलब भारत में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर रहता है, तो हमारी कोशिश है कि इसको क्राइम के हिसाब से भी स्वच्छ रखा जाए। नई मुंबई पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा उछाल वाहन चोरी, सेंधमारी और आर्थिक लेनदेन से जुड़े मामलों में देखने को मिली है। मीडिया ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर आर्थिक अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले बड़े पैमाने पर लंबित क्यों हैं? इस पर पुलिस आयुक्त विपिन सिंह और दूसरे उच्च अधिकारी भी जवाब देने की बजाय बगलें झांकने लगे। आइए सुनाते हैं मीडिया के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। FIR होने के बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ट्रुथ क्या है, फैक्ट्स क्या है, एविडेंस क्या है। नहीं, आपका इंडिविजुअल जो मैटर है, एविडेंस क्या है, इंडिविजुअल मैटर ठीक है, आप अलग से मिलके बताओ, इंडिविजुअल सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी आकर के हमको, हम तो मिलते हैं सबको, अभी कोविड खत्म हो गया है तो करीब करीब तो मैं शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में, 6 के बीच में सबको मिलता रहता हूँ। प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पे 100% अरेस्ट होना जरूरी ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्राइम में बिना अरेस्ट हुए भी हम चार्जशीट सबमिट कर सकते हैं। CRPC 299 में बाकी सभी में प्रोविजंस हैं। उस जगह साहब ने बताया जैसा कि लीगल प्रोसीजर होता है, कहीं पे एंटीसिपेटरी बेल है, बहुत लोग हाईकोर्ट में जाते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंस में, क्योंकि उसमें वो सिविल कम क्राइम होता है, उसमें कहीं कुछ पैसे का लेन देन होता है, और हर एक आदमी को लगता है कि नहीं, पुलिस के पास गए तो तुरंत हमारा काम होना चाहिए, हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमारा मिलना चाहिए। हमारा काम होता है कि हम उसको, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारा काम आपका पैसा दिलाने का नहीं है, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लीगल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, कोर्ट को उनको भेजना पड़ता है उसको, और उस प्रोसेस में आपको जो भी आपका चीज़ बचत क्राइम है, पैसा मिलना है, तो कोर्ट के थ्रू जो मिलता है मिलता है। तो हर जगह पे 100% अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लीगल प्रोसीजर की प्रॉब्लम है और कुछ एक से ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, प्लस ये धारणा गलत है कि FIR हो गया तो चार्जशीट हो गया, ऐसा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।